हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिवकुमार तिवारी और आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स इन 10 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर जो भी आपके रिसेंट इंपॉर्टेंट अपडेट होते हैं, जितने भी करंट अफेयर्स अपडेट होते हैं, वो सब हम लोग उस टॉपिक पर क्या करते हैं कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पिक करते हैं और उस पर 10 मिनट के शॉर्ट वीडियो बनाकर अपलोड करते हैं इस चैनल पर। और ये सभी आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हैं, तो हम प्रयास करते हैं कि 10 मिनट में जितना भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड डाटा हो वो आपको प्रोवाइड कर सकें। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे और इस चैनल पर जितने भी वीडियो अपलोड हो रहे हैं उन सभी को आप देख रहे होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं वन नेशन वन राशन कार्ड के बारे में। तो ये स्कीम क्या है, इसमें कौन कौन से भी नए स्टेट ऐड हुए हैं, उसके बारे में जानेंगे। मेरे साथ बिगनिंग से लेकर एंड तक बने रहेगा इस वीडियो में। गाइज, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 6+ ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस है। अभी तक की टीचिंग जर्नी में मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को ट्रेन कर चुका हूँ। एंड गाइज, एज यू नो, अन अकेडमी इज द इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म, जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज के स्टडी प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अन अकेडमी का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा कि आप किस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि अन अकेडमी पर 30+ कोर्सेस अवेलेबल हैं, तो सबसे पहले आप उससे जुड़ने के लिए ऐप को डाउनलोड कीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आप अन अकेडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स हैं उनके आप अनलिमिटेड लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चरल कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा गाइस, अगर आप इस चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना चाहते हो, प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप जिसका करंट अफेयर्स इन 10। तो जितने भी वीडियोज़ हैं इस पर आपको नोटिफिकेशन फॉरवर्ड कर दिया जाता है, साथ में जितने भी लेक्चर्स हैं उनकी PDF आपको इसी ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है गाइस। और अगर आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं बैंक एग्जाम का गाइस, तो इसका जो प्लान जाता है आपको बता देता हूँ। अगर आप 1 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 5400 का विद 10% डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट को पाने के लिए 10% के लिए आपको एक कोड यूज़ करना पड़ेगा। कोड याद रखिएगा, मेरा कोड है SKTLI। और अगर आप 2 ईयर प्लान के लिए जाते हैं तो ये पड़ता है 6480 का। तो यू आइदर गो फॉर 1 ईयर प्लान और 2 ईयर प्लान, ठीक है। 10% डिस्काउंट को पाने के लिए कोड यूज़ करना मत भूलेगा और मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, मेरा रेफरल कोड है SKTLI। चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं टॉपिक की। जैसा कि मैंने बोला था, वन नेशन वन रेशन कार्ड के बारे में, तो ये स्कीम क्या है, ठीक है, और इसमें की क्या इंपॉर्टेंस और अभी रिसेंट अपडेट इसके बारे में क्या आए हुए हैं, ठीक है। तो अभी जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स हैं, ठीक है, जिनका नाम है रामविलास पासवान साहब, उन्होंने ये जानकारी दी है, ऑफिशियल इन्फॉर्म किया है। 3 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड, ठीक है। तीनों राज्य कौन कौन से हैं देख लीजिएगा। पहला है उड़ीसा, दूसरा है सिक्किम और एक है आपका मिजोरम। तो मैं ये कह सकता हूँ कि नॉर्थ ईस्टर्न के पार्ट है जिनको आप सेवन सिस्टर बोलते हैं। तो रामविलास पासवान जी जानकारी दी है, इन तीनों राज्यों ने अभी रिसेंटली वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। और इन तीनों को ज्वाइन करने के बाद अब टोटल अगर मेंबर्स की संख्या देखी जाए तो वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम के अंतर्गत तो टोटल कुल राज्य और यूनियन टेरिटरीज को मिलाकर के कुल 20 अब इसमें ज्वाइन हो चुके हैं, ठीक है। तो सरकार का एम यही है कि पूरे देश में अलग अलग राशन कार्ड नहीं होने चाहिए, सबका एक यूनिक राशन कार्ड बनाना चाहिए। क्योंकि आज के समय में देखा होगा आपने कि बहुत सारे लोग जॉब की तलाश में एक जगह से लेकर के दूसरी जगह पर जाते हैं, तो पहले वो जहाँ बिलोंग करते हैं वहाँ का उनका राशन कार्ड होता है, फिर दूसरी जगह पर जाते हैं तो उनको जो बेनिफिट्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, जो फ़ायदे हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं। जो ग्रेन सप्लाई होती है, जो सस्ते रेट पर उनको चावल और गेहूँ डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनका फ़ायदा नहीं मिल पाता। सरकार चाहती है कि एक कैंडिडेट का एक ही राशन कार्ड हो कि अगर वो किसी दूसरे लोकेशन पर जाता है, उसकी पोर्टेबिलिटी होती है, वो माइग्रेट करता है, तो वो अपने लाभ से वंचित ना रहने पाए। सरकार का इस स्कीम का ये मेन उद्देश्य है, ठीक है। तो सरकार चाहती है कि जितने भी राज्य हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, उन सभी को इस प्रोग्राम के तहत जोड़ा जाए, उन सबको लिंक किया जाए, ठीक है। तो अभी तक कुल 20 राज्य और यूनियन टेरिटरीज इससे जुड़ चुके हैं और अभी जो रिसेंटली ऐड हुए हैं ये 3 राज्य हैं, एक उड़ीसा है, एक सिक्किम है और एक आपका मिजोरम है। चलिए, इम्पॉर्टेंट हाईलाइट्स क्या है इस स्कीम के हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। सरकार ने ये डिक्लेयर किया था कि लगभग हमारा जो टारगेट है सभी राज्यों को और यूनियन टेरिटरीज को इस स्कीम के तहत जोड़ने का, वो है मार्च 2021। तो मार्च 2021 मतलब फाइनेंशियल ईयर 2021 के अंत तक हम सभी राज्यों को और सभी केंद्र शासित प्रदेशों को इस स्कीम के तहत जोड़ लेंगे। अभी रिसेंटली दूसरा उन्होंने ये भी रखा है कि कुछ जो और राज्य हैं जैसे उत्तराखंड, नागालैंड और मणिपुर, इन सबको भी जोड़ा जाना है इस क्लस्टर प्रोग्राम से, जो अगस्त 2020 तक पूरा कर लिया जाएगा। तो अभी जून में 3 राज्यों ने इसको ऐड किया है, ठीक है, और बाकी अगले आने वाले समय में नेक्स्ट 1 और 2 मंथ में बाकी ये जो 3 राज्य हैं ये भी इससे ऐड हो जाएंगे, ठीक है।
तो ये जो जानकारी ये पूरी उन्होंने दी रामविलास पासवान साहब ने, और उन्होंने ये बोला है कि जो डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है इज टेकिंग कॉन्स्टेंट एफर्ट टू इंक्लूड द रिमेनिंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी टू द नेशनल क्लस्टर। तो ये जो डिपार्टमेंट है फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, आप जानते हैं जो PDS सिस्टम है हमारा, पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इनका पूरा प्रयास यही है कि सभी राज्यों को, ठीक है, जो टारगेट हमने रखा है तब तक सभी को इस क्लस्टर, जो नेशन वाइड कैंपेनिंग है, नेशन वाइड प्रोग्राम है, उसमें जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर इसका बेनिफिट लेके आ सके। ठीक है, अब इस स्कीम में जुड़ने के लिए लोगों को कैसे क्या करना होगा उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी पे अगर हम बात करने जाएँ, एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। जो आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013, उन्होंने बोला है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि लास्ट, ठीक है, रिकॉर्डेड एटलीस्ट वन आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजेक्शन इन द लास्ट 6 मंथ शैल बी एलिजिबल फॉर द नेशनल पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन। तो एटलीस्ट हमें आधार कार्ड को कंपलसरी बनाना पड़ेगा और लास्ट 6 महीने की अगर हम देखा जाए तो ट्रांजेक्शन सिस्टम को देखा जाएगा। ठीक है, दूसरा उन्होंने बोला कि जो वेब सर्विसेज है फॉर रिपोर्टिंग ऑफ पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन डिटेल टू द सेंट्रल डैशबोर्ड आर ऑल्सो इनेबल फॉर दीज स्टेट्स। द सेंट्रल NIC टीम शैल बी असिस्टिंग द स्टेट गवर्नमेंट टू रोल आउट वन। ठीक है, तो जो प्रोग्राम है NIC इसमें मदद करेगी, जो नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन है ये राज्य सरकारों की मदद करने जाएगा कि वो किस तरीके से आसानी से इस प्रोग्राम को रोल आउट कर सकते हैं जिसका नाम है वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम। ठीक है, अब जैसे हमने इसकी बात की थी NFS की, आप जानते हैं कि NFS के बारे में हमने पढ़ा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी। ठीक है, सो द स्कीम इनेबल्स द NFSE नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट रेशन कार्ड होल्डर्स टू अवेल देयर सब्सिडीज फूड ग्रेन्स फ्रॉम एनी EPOS सॉफ्टवेयर इनेबल्ड फेयर प्राइस ऑफ एनीवेयर इन द कंट्री बाई यूजिंग द एग्जिस्टिंग सेम रेशन कार्ड आफ्टर आधार और ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो उनको क्या करना है, जैसे मैंने बोला कि हम लोग एक राज्य में रहते हैं, किसी एक शहर या गांव में रहते हैं, लोग अपने काम की तलाश में, बेहतर जॉब की तलाश में, बेहतर जीवन की तलाश में एक जगह से लेके दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जहाँ से वो होते हैं उनका वहाँ का राशन कार्ड होता है, तो फिर दूसरी जगह पर वो जाते हैं तो उसका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो उन्होंने सीधा सा बोला है कि भाई हमको क्या करना है कि सबसे पहले अगर उसको दूसरी जगह पर जाकर के अपने बेनिफिट को कंटिन्यू रखना है तो अपने आधार कार्ड से जाकर के वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, आधार कार्ड से वेरिफिकेशन हम करने जाएंगे तो वो किसी भी सॉफ्टवेयर से जाकर के किसी भी जगह पर आप इसको चेक कर सकते हैं, इजिली चेक कर सकते हैं। तो उसमें लास्ट हम 6 जो है वो ट्रांजेक्शन देखे जाएंगे और अगर वो सारी चीज़ें बेटर होती हैं तो कोई भी पर्सन किसी भी जगह रह करके वो सरकार की सब्सिडीज है फूड ग्रेन्स पर उनका फायदा ले सकता है। तो डेफिनेटली एक ये बहुत बेटर स्कीम है। अगर कोई पर्सन किसी दूसरे राज्य में चला जाता है तो कंटिन्यूस सरकार के जो बेनिफिट्स ले सकता है। ठीक है, और आप जानते हैं जो फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो आपका PDS है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो इस समय इंडिया में चल रहा है। ठीक है, और गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियोस पसंद आते होंगे, और प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आते हैं तो ये अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप फर्स्ट व्यूअर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल। ठीक है, एंड प्लीज़ ज्वाइन अवर टेलीग्राम ग्रुप, प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट बॉक्स एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। और अगर आप अनअकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो प्लीज गाइस ये कोड यूज करना मत भूलेगा, और मेरा कोड याद रखिएगा, मेरा कोड है SKLive। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस।